मेरी ससुराल तारापुर और मेरे ससुर जी का नाम तारासाई छत्री और मेरे छोटे छोटे देवर का नाम रोना सिंह और उससे छोटे देवर का नाम झूना सिंह और मेरी नाम सती केवली है। हे माँ दुर्गे, आज मुझे अपने दरबार में आज मंत्री आवाज लगा रहे हैं, मैं जाके उनसे मिलती हूँ। आखिर क्या बात है, क्यों मुझे वो बुला रहे थे? खुश रहिए मंत्री जी, और बताइए अपने राजपाट की क्या समाचार है, कैसे अपने राजपाट तारापुर का सारा कुछ ठीक ठाक है महारानी जी? और क्या बात है, क्यों मुझे आप आवाज लगा रही थी? महाराज शोभा सिंह कहीं यात्रा में जाएंगे, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हमारे स्वामीनाथ जी? हाँ, मुझे बुला रहे हैं। जाइए महाराज, से मुलाकात कीजिए। क्यों नहीं, मैं अवश्य अपने स्वामीनाथ से जाके मिलूंगी। ठीक है, जाइए। आज मैं जाके देखती हूँ आखिर समान हमारे स्वामीनाथ क्या कुछ कहने के लिए चाहते हैं। आप आई जाई कई मिल पाई गति छतरी के है साथी
माँ दुर्गी, आज मैं देख रही हूँ कि हमारे स्वामीनाथ अपने राजगद्दी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज मैं सबसे पहले जाके मैं प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी आखिर स्वामीनाथ क्या बात थी, क्यों मुझे आवाज लगा रही थी। आप प्रणाम करती हूँ स्वामी। जुग जुग जियो सुहाग पति भव सती केवली। हे स्वामी, जिस प्रकार से मुझे पत्र तारापुर शहर में, ठीक उसी प्रकार ये शोभा सिंह तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए तैयार हो गया। क्यों नहीं स्वामी, बिना अपने अनुज रूना और झूना से बताए हुए आज दो रोज के बदले मुझे हफ्ता बीत रहे हैं। हाँ स्वामी, ये सही बात है। आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि जो शर्त था तुम्हारे पिताजी मोहबल सिंह का। हाँ स्वामी, 12 कोस पड़ेला, 14 कोस झुमेला, सिंदूला पहाड़ से सिंदूरा और सिंदूला मिट्टी केवली। हाँ स्वामी, आज मैं इसीलिए तुम्हें बुलाया हूं कि अविलंब मैं जा रहा हूं। हे स्वामी, हाँ ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या इस हिरनपुर में आप मुझे छोड़ के अकेला जा रहे हैं और एक डोम से आप झगड़ा मोड़ ले लिए हैं। केवली, मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी स्वामी। मैं मानती हूं कि हमारे पिताजी का आज्ञा है कि ए राजन, जब तक तू राज तहसील करके नहीं लाएगा तब तक मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे पिताजी का आज्ञा को पालन करने के लिए आप स्वामी चल पड़े हैं। सती, हे स्वामी, इस दुनिया में छत्री का कदम आगे बढ़ा है मगर पीछे नहीं हुआ। जो पानी निकला हुआ है, जिन पर ये शोभा सिंह अट गया है,
मैं जब तक वो पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। नहीं स्वामी, मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। मुझे उस डोम से बहुत डर लग रहा है केबली, क्योंकि भरी हुई सभा में उसे बेइज्जती किए हैं आप और कान पकड़ के उस सभा से आप निकाल दिए हैं। सती स्वामी, बालाराम के बाजू में वो ताकत नहीं है कि शोभा सिंह से टकराने का साहस कर लेगा। हे स्वामी, वो सामने आके नहीं कर सकता है, लेकिन ना जाने कब पीछे सवार कर देगा स्वामी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन इंतजार नहीं करते हैं स्वामी। सती, बस खुशी के साथ तुम मेरे हाथों का ये तैगा को चुमाओ और खुशी खुशी से मुझे जाने दो। मैं अभिलंब जाऊंगा और लौट के आऊंगा तहसील करके राज। हे भगवान, आज मैं क्या करूं, मेरे स्वामी राज अपने सत पे, अपने जीत पे अड़े हुए हैं कि हे प्यारी, मुझे राज तहसील करने के लिए जाना है। अगर मैं अपने स्वामीनाथ की बातों को काटती हूँ तो ये अच्छा बात नहीं होता। स्वामी, ठीक है, आप जब इतना जीत करते हैं तो मैं आपको जाने के लिए आज्ञा देती हूँ, लेकिन राज तहसील करके वापस जल्दी से आ जाइएगा। मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी लौट के आऊंगा। और भोभरा बन के आप किसी फूल पे जाके मत बैठ जाइएगा। नहीं, ऐसा शोभा सिंह छत्री कभी नहीं कर सकता है। बात निकला हुआ जवान से प्राण निकला हुआ इस शरीर से और तीर निकला हुआ कमान से कभी वापस नहीं हो सकता। ये हाथों का खंजर खुशी के साथ अविलंब चुमाओ और मुझे जाने का इजाजत दो। ठीक है स्वामी, मैं आपकी बातों को काट नहीं सकती हूँ। अब है खुशी से चुमा ये है साथी है स्वामीनाथ के हाथों को ये खंजर को चुमाने के लिए जाती हूँ। जब तक इसके हाथ में ये खंजर रहेंगे, कोई ऐसा मैं दलाल भी पैदा नहीं लिया है कि मेरे स्वामीनाथ को पंजा में पंजा कोई लड़ा सके। आज मैं इस तेगा को चुमाने के लिए जाती हूँ। खुशी के साथ चुमाओ माया बहने गई आप तो माया बहे माता जी Thank you.
सुदीना स्वामी लाओ, मैंने इस देगा को चुमा दी हूं, इसे आप ले सकते। लाओ मेरे हाथों की खंजर है स्वामी। और ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप जल्द वापस आ जाइएगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं अपने लाली से पलंग पे मैं आपके इंतजार करूंगी। और कोई भी बात का चिंता मत करना, जब तक ये शोभा सिंह है तुम्हारी ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने देगा। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूं अपने महल। जा रहा हूं मैं, बस दो रोज के अंदर ही मैं राज तहसील करके मैं हिरणपुर शहर में रख दूंगा। ठीक है स्वामी, जाओ। अब यही मान भई का जाओ यही स्वामी बाला राम डॉम जा रहा हूं मैं राज तशीलने के लिए। तुम में इतना दम नहीं है कि शोभा सिंह की हाथों का खंजर तुम रहते हुए कुछ बिगाड़ सकेगा। चलता हूं मैं अभी लंबे। हे भैया अगल बगल में जब तैगा खोसा शोभा सिंह भाई रे बम का झोला लिया लटका तो गोली गुच्छा कमर में बांधा। भाई बैठा देह में अकड़ा लग गए बिजिया साथ के लियो तलवार तो घड़ी घड़ी पर कब जाए था। कब जायो भार सहा नहीं हो जाए हुआ तैयार सता सयो छातरी निकलई इतय फुटी फुटे कायो पानी जाय